तो रामेश्वर की तरफ जब आप जाते हो तो यार कुछ ऐसा नज़ारा भी बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है, कोकोनट्स के पेड़ है लेकिन पेड़ों पे भी जो कोकोनट है वो बिल्कुल काले हो चुके हैं। मैं बता नहीं सकता, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना यहाँ पे दिन के 3:30 बजे, मतलब ये समझो यार, मतलब उमस ह्यूमिडिटी भाई इतनी ज़्यादा, क्या बताऊँ यार। सो वेरी गुड मॉर्निंग उटाजू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइज, एपिसोड 2 में कन्याकुमारी टू कश्मीर के आप लोगों का स्वागत है। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि आप कैसे ऑप्शंस का यूज़ करके ट्रैवल को इजी कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती है ट्रैवल के दौरान। तो सेम आज मैं स्टेट हाईवे 75 पे हूँ और ये बेसिकली तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव है। इसी हाईवे से मैं रामेश्वरम की तरफ जा रहा हूँ और अभी मेरा रामेश्वरम बचा है करीब 175 किलोमीटर। तो 175 किलोमीटर यानी कि मुझे करीब करीब 2 दिन लगने वाले हैं। और पिछले वीडियो की तरह मैं इसको भी सस्पेंस में रखूँगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या होने वाला है आगे और आप लोगों को भी ऑब्वियसली नहीं पता। तो वीडियो को कुछ एक्सपीरियंस के तौर पे देखते हैं लास्ट तक, ताकि अगर आप लोग ट्रैवल करें तो आपको ये प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े और जो भी इन्जॉयमेंट आप करें तो उसमें इस वीडियो का बहुत बड़ा रोल हो, बहुत बड़ा भी ना हो तो छोटा सा रोल हो। तो चलिए अभी चलते हैं अपनी रामेश्वरम की तरफ। और इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ यार, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा मेरे से, मतलब आप देख रहे हो साफा वाफा मैंने पहन रखा है और ये गीला कर रखा है मैंने, तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्म हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का इलाके आसपास बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, बिल्कुल सांस वगैरह फूल रही है। तो विंड शीटर वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं और तो इससे समझ सकते हो कि हवाएं कितनी ज़्यादा चलती होगी यहाँ पे। हालांकि अभी तो हवा नहीं चल रही है, अभी शाम के वक्त या सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ यहाँ पे हवाएं चलती हैं। तो तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव है एक्चुअली, और अभी हमें रामेश्वरम जाना है तो ये डायरेक्टली स्ट्रेट हाईवे है रामेश्वरम के लिए। चलिए सफ़र को इन्जॉय करते हैं, लास्ट तक देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके लेट्स गो। तो तमिलनाडु में बेसिकली एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको हिंदी या इंग्लिश लिखा हुआ नहीं दिखेगा, आपको ज़्यादातर जगह पे तमिल में लिखा हुआ दिखेगा, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि आपको केरला कर्नाटका में इंग्लिश दिख जाएगा यूज़ होते हुए। शेल्टर सा लगा रखा है यहाँ पे बीचों बीच, शायद कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा होगा। What's the name of this place? The name of this place? Kurukachala. Okay. And Rameshwaram is at this side? That side? Yes, sir. Great. Okay. Thank you. Hey, दिन के 11:30 बज रखे हैं और ये इलाका बिल्कुल सुनसान इलाका है यार। बिल्कुल यहाँ पे पेड़ भी बहुत पेड़ हैं लेकिन ये कांटेदार पेड़ है, ऐसा कोई पेड़ नहीं कि जहाँ बैठ के थोड़े के लिए छाया ले सकें। पीछे देखो पूरा इलाका सुनसान, आगे देखो पूरा इलाका खाली, इस साइड खेती कहते हैं और इस साइड काटेदार पेड़ है। और प्यास लगी खतरा, हॉट सूख चुके हैं बिल्कुल, अभी पता नहीं कितने डिग्री सेल्सियस चल रहा है तापमान। चलो चलते हैं, अभी दिखे एक बाइक जगह मिली है मुझे यहाँ पे बैठने के लिए, मुश्किल से साइकिल को एक्चुअली मैं स्टैंड पे नहीं लगा सकता हूँ, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और ये इतना वजन झेल नहीं पाएगी। ओहो और इसमें कपड़े सूख रहे हैं, सूखे वैसा अच्छे सूखे।
क्या धूप है यार भाई, चारों तरफ। अब बैठ रहे हैं यहाँ पे थोड़े। चलो अभी 11:06 हो चुके हैं और काफ़ी देर से मैं बैठ रखा हूँ यहाँ पे यार, आई थिंक आधा घंटा तो हो गया मुझे। निकलते हैं आगे को, अभी 11 बज रखे हैं तो इसका मतलब धूप तो खतरनाक ही होने वाली है भाई, बहुत टफ है ये धूप को झेलना भी। ऐसे ग्लव्स व्लव्स पहन के जाने पड़ रहे हैं। तो रामेश्वर की तरफ जब आप जाते हो तो यार कुछ ऐसा नज़ारा भी बीच में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है, कोकोनट्स के पेड़ हैं लेकिन पेड़ों पे भी जो कोकोनट है वो बिल्कुल काले हो चुके हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, शायद पानी ना मिल रहा हो। और मिट्टी जो है यहाँ की बिल्कुल लाल मिट्टी है, तो उपजाऊ तो बिल्कुल भी नहीं है। और धूप यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग। तो यहाँ लोगों ने क्या किया है, कोकोनट्स के जो पत्ते हैं उनका यूज़ किया है अपने घर वर बनाने के लिए। ये देखो, बट वैसे पूरा बंजर इलाका है, बंजर इन द सेंस घास वास नहीं है यहाँ पे। कोकोनट के पेड़ हैं उसमें कोकोनट्स दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल सूखे भी लग रहे हैं। तो ऐसे सुनसान से इलाके में भी साइकिलिंग करनी है, अब पता नहीं कितना दूर तक है, ऐसा कहाँ तक है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखो ये ऐसे घर बना रखे इन्होंने, मुझे पानी मिला है। थैंक यू यार, अभी आ गया पानी पीना, पीने का पानी अभी जाके मिला। तो यहाँ पे देखो ऐसी मिट्टी है कुछ, और मिट्टी उड़े ना करके ये लोग भी जैसे राजस्थान में करते हैं पानी पानी से बिल्कुल प्लेन करने के लिए वैसे कर रहे हैं। अच्छा शॉप भी है यहाँ पे यार, यहाँ पे कुछ मिला नहीं तो मैंने बिंगो ले लिया और ये नमकीन करा। अच्छा एक चीज़ और होती है यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज़ देखना, जैसे अंकल देखो इन ये बाइक चला रहे हैं बट इन्होंने पाँव में मतलब कुछ शूज़ वगैरह या स्लीपर्स वगैरह नहीं पहन रखे हैं, तो ये तमिलनाडु में देखने को बहुत मिलता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा, पाँव में स्लीपर्स वगैरह नहीं पहनना बाइक चलाते वक्त। और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो नंगे पाँव चलते हैं, बहुत ज़्यादा है तमिलनाडु में ये चीज़। अब ये कुछ खाते हैं हल्का फुल्का स्नैक्स सब, फिर चलते हैं आगे। नहीं ना तमिल ना इंग्लिश, ओनली ओनली इंग्लिश था, इंग्लिश हिंदी हां हिंदी, यू स्पीक हिंदी हिंदी, हां डोंट गो इनटू हां रामेश्वरम रामेश्वरम, हां यू स्पीक इंग्लिश, अरे वाह रामेश्वरम नहीं पर आई डोंट स्पीक तमिल, यू स्पीक इंग्लिश स्टार्ट हो जा।
Food. No, no, no. Later on. Eat food. Food what? What's here? Curry kolam. Chicken, chicken. Chicken. Chicken mutton. Oh, chicken mutton. Please come. Eat. Please come eat. Next time. चलो ओके बाय 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 भाई गांव के बच्चे हैं, मुझे गांव का नाम तो समझ नहीं आया, आप लोगों को समझ आ गया होगा, खतरनाक बच्चे हैं। लेकिन चिकन के ऑफर कर रहे थे अभी, तो अभी मेरा रुकने का मन तो नहीं कर रहा था, और गर्म बहुत ज़्यादा अभी चिकन खाते तो मैं, इसलिए मैं रुका भी नहीं। ये है कुछ गाँव और छोटे छोटे से दुकान वगैरह हैं यहाँ पे, और रामेश्वरम को जाने वाली रोड पे ये गांव आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप कभी इधर आते हैं तो। हाल बहुत सारे कुत्ते यहाँ पे आ गए, तो जनरली आपकी साइकिल के पीछे पड़े रहते हैं, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा ऐसी होता बस, अगर भागोगे तो और पीछे आएंगे। ओह माय गॉड। ओके तो एक लोकेशन पे मैं आया हूँ अभी, और यहाँ पे एक पूजा चल रही है, व्हाट टाइप ऑफ पूजा इट वाज? दो रंग उड़िया वन डे पूजा। ओके पूजा इज ओवर नाउ। ओके यू कॉल इट भंडारा ना? मतलब इस पे हिंदी हिंदी बोलते हो? अरे वाह। हाँ विनायक, दिस इज मालूम है ना विनायक, हाँ गणपति जी यार। तो खाना खाने में भी बैठ चुका हूँ, बेसिकली तमिलनाडु में यहाँ पे जनरली पेपर का यूज किया गया। पेपर का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे केले के पत्ते नहीं है, और केले के पत्ते के साथ चिकन एंड चावल यहाँ पे दिया हुआ है, अमेजिंग है। तो बेसिकली खाना खाने के बाद मैंने चार्ज लगाने के लिए फ़ोन दे दिया था, और मैं सो गया था यहाँ पे, और कुछ मैंने खाई खाने पीने के बाद मैं भी यहाँ पे सो गया था, और मैं लाट गया था एक ही घंटे सोया था मछली के। ओके तो अभी नींद थोड़ा सा, एक घंटे की नींद मैंने ले ली है, तो थोड़ा सा बॉडी रिकवर हो चुकी है अभी, और भाई लोग अभी भी सो रहे हैं, शायद मैंने जगा दिया उनको। तो ऐसे करते करते आपको मतलब यार जहाँ वो मौका मिले लोगों पे भरोसा करना है, क्योंकि और कोई चारा नहीं होता है आपके पास। एंड अभी मुझे निकलना है, अभी मोहिनी खड़ी कर रखी है मैंने, और गर्मी देखो अभी कितनी हो गई है, दिन के 3:30 बज रखे, अभी 3:30 हो गए, तो मुझे निकलना है। मैं इसलिए निकलना ताकि मैं थोड़ा जल्दी कवर कर लूँगा जगह, और मैंने एक कपड़ा भी चेंज कर लिया है अभी, जो सुबह धोया था मैंने, पिछले वीडियो में देखा हुआ आपने धोए हुए, और नींद तो हल्की आ रही है, बट अभी कवर करना है कैसे भी जल्दी। चलिए मैं बता नहीं सकता, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना यहाँ पे दिन के 3:30, मतलब ये समझो यार, मतलब उमस ह्यूमिडिटी भाई इतनी ज़्यादा, क्या बताऊँ यार, मतलब बहुत अजीब सा हो रहा है, निकलते ही मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी साइकिलिंग करने का। कई बार रुक भी रहे तो हवाएं गर्म चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसा ही हाल है, बाकी ऐसा नहीं है, इसके आगे से समुद्र है तो शायद थोड़ा सा हवाएं चलने लग जाएगी, बट अभी तो बहुत बुरा हाल हो रहा है अभी। बाकी में मतलब ऐसा हो रहा है कि पता नहीं सकता, इस तरीके से घर बने हुए यहाँ पे, अभी चल रहा हूँ मैं थोड़ा 3:30 इसलिए ताकि टाइम पर कहीं ना कहीं पहुँचाऊँगा। मेरे लेफ्ट साइड में जो नदी है देखो, ये नदी पूरी सूख चुकी है, तो समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हालत होने वाली होती है, कितनी गर्मी सहन कर रहे हैं लोग। और ये सितंबर का महीना है, मार्च अप्रैल में तो पता नहीं क्या हालत होती होगी यार, बहुत दिक्कत है भाई, इसलिए यहाँ पे कांटे वाले पेड़ जाते हैं। तो
आने वाले भाई। व्हाट्स योर नेम ब्रो? अबू बकर भाई, थैंक यू सो मच यार ब्रदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वेरी हॉट एंड थैंक यू फॉर द वाटर। अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच। ओए व्हाट इज दिस? अरे नो नो व्हाट, अरे थैंक यू सो मच। कुछ ऐसा चल रहा है यार, बहुत थकान सी हो रही थी तो हम थोड़ा सा सपोर्ट लेके चल रहे हैं अभी, वरना हालत ख़राब हो जा रही है यहाँ पे भाई, इतना दूर है वरना। तो फाइनली अभी रात हो चुकी है और मैं एक लॉज में पहुँच चुका हूँ अभी। तो आज का मेरा स्टे लॉज में ही होने वाला है, और एक्चुअली मेरा स्टे किसी के घर पे होने वाला था, बट कुछ जिनके यहाँ मैं रुकने वाला था उनकी फैमिली में कुछ एमरजेंसी आ गई, तो मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। और फिलहाल मैं लॉज में रुका हूँ, और ये लॉज मुझे यू कह सकते हैं स्पॉन्सर किया है हमारे पंकू भाई हैं जो अभी नेवी में हैं, और उन्होंने ये लॉज स्पॉन्सर किया। और मतलब उनसे मेरे फ़ोन पे बात उठती तो मैंने बात करते करते मतलब बोला कि यार आज तो मतलब रुकने का बहुत मुश्किल लग रहा है कि जगह नहीं मिल रही, तो उसने बोला कि जगह ढूंढ, आज मैं स्पॉन्सर करूँगा। इट वॉज लाइक दैट। सो थैंक यू पंकू भाई, और बाकी आज यहीं पर रेस्ट करूँगा, कल यहाँ से मैं रामेश्वरम के लिए निकलूँगा। तो आप लोगों को सुबह मिलता हूँ, चलिए बाय बाय।